प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर ले आया हूँ भाई कक्षा पांचवी SCRT विषय EVS झरोखा, पाठ है 11वां। देखो सुनो और पहचानो। तो भाई देखना है, सुनना है और पहचानना है। कोई भी चीज आप चाहे तो देख के समझा सा, चाहे सुन के ना उसके बारे में, और चाहे भाई अपने पहचाना सा। शामी आपने पहला देखी उड़ी हो, पढ़ी उड़ी हो कोई चीज। तो भाई चुन्नू मुन्नू लाडू सारे बटले हो जो सबकी चूल्हा नोंद है भाई। यो पाठ करने जा रहे हैं हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब का गुंठा दाब दियो। कल ही रहे आगे बढ़नी चाहिए शिक्षा, पहली तो लेगा पांच मिनट का सारा सिलेबस है। टेस्ट की तैयारी भी नवोदय सैनिक स्कूल की। तो देखो भाई आज कल्पना का जन्मदिन है। उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर टोपियां खरीदी और अपने सहपाठियों में बांटी। सभी साथियों ने उसे जन्मदिन की मुबारकबाद दी और टॉफियां खाने लगे। रवि के हाथ से एक टॉफी छूटकर नीचे गिर गई। रवि ने देखा थोड़ी ही देर में उस पर बहुत सी चींटियां। उसने टॉफी को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया, लेकिन यह क्या, चींटियां तो वहां भी पहुंच गई। अब बताओ तुमने चींटियों को कहां कहां देखा है? सर जी मुंडेर पर देखा है, बरांडा में देखा है, चौक में देखा है, गली में देखा है। गली में, खेता में, मुंडेर पर, चौक में, बरांडा में, भाई सारी जगह पाजे हैं ये तो। क्योंकि कीड़ी के बिल घना सा तो इन्ना कि मैं दो मंजिली कोठी नहीं चिनानी होंगी। थोड़ा सा बिल अपना चने का बाजरे का दाने की ओर बसले अपना सुराख करया कड़िया और उसमें रहने लग जैसे बेचारी। और एक और बता दू भाई, ऐसे आश्चर्य भरे हूँ तो आपले प्रश्न डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। मना आश्चर्यजनक है, कीड़ी सा जीव है जो कदे नहीं सोंदा। और भाई कीड़ी की उम्र लगभग 7 साल लग भी हो सके से बढ़ते बड़ी कीड़ी की समूह में रहने वाले जीव सही है। तो भाई आगे देखो, चींटियों को तो देख लिया तुमने, चित्र को देख कर लिखो कि चींटियां क्या क्या खाती हैं। सर जी बाजरा के दाने, गेहूं के दाने, शायद नीचे खिंड जाए तो उस पर आ जाए हैं, कीट पतंगे मर जाए हैं उस पर आ जाए हैं, खाने लग जाए उन्हें। कोई कीट पतंगा, चीनी के दाने, भाई मीठा माठा, कड़िया चुरमा का बोरा खिंड जाए खाते हो तो, कड़िया लाडू का बोरा, भाई कड़िया भी पैड़ी ला सके हैं तो जमा ऊंचा चढ़ सके हैं भाई। ये चीज़ यहाँ खा लें, बिस्कुट बास्कुट का बोरा, कदे न कदे को खांड चूरमा या फिर घ्योर फिरनी खाई हो तो उस पर भी लग जाइए कहने। वे मरे हुए कीड़ों या अनाज के दानों को उठाकर कहाँ ले जाती होंगी? अपने बिल में। अपने बिल में ले जाए भाई, अपने घर ले जाए और बटोरिया में क्या करना ले जाएंगी भाई। खाने की चीज़ों पर तुमने चींटियों के अतिरिक्त तो और कौन से कीट या जीव आते हैं देखे हैं, उनके नाम लिखो। सर जी मक्खी। माखी भी बैठ जैसे भाई खाने की चीज पे। मच्छर। मच्छर वगैरह, या फिर मच्छर तो आदमी के ऊपर बैठ कर ना खून पी वैसे राक्षस के रूप से या तो एक किस्म के यहाँ कड़ा खाने की चीजा ना खावा थे। सबसे मेन तो है मक्खी और कीड़ी, और साथ के साथ में चिड़िया होया अपना मैना हो, काबरी बोलिया करें जिसने, कौआ होया, इसी भी है चीज की जो खाने के लिए ले जे हैं ठठे ना चूंचा में बरकन है। तुम भी आओ मेरे पीछे, तुम भी आओ मेरे पीछे। चलते समय चींटियां अपने शरीर से एक पदार्थ छोड़ती हैं जिसकी विशेष गंध होती है। इसी पदार्थ को सूंघते हुए चींटियां एक दूसरे के पीछे पंक्ति में चलती हैं। चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना वजन उठा सकती है। देख लो राय चुन्नू मुन्नू लड्डू, जेता रहा मैं मान लिया भाई 30-35 किलो वजन है, 40 किलो वजन है, तो भाई 40 का 20 गुना 800 किलो हो गया। ता मेठा इसको के अपने वजन का 20 गुना ना जी। और तार तो कीड़ी है तकड़ी, फिर वह 20 गुना ले जे है, ता मैं तकड़े हो एक कीड़ी तकड़ी हुई सर जी मामे। ता मैं कुकर हो वह तो 20 गुना ठा लिया, ता मैं 20 गुना ठा के देखा उन्हें अगली की लड्डू खावा है। अच्छा भाई बात तो सही है। अब बताओ भाई यदि एक चींटी का वजन 5 ग्राम है तो वह लगभग कितना वजन उठा सकती है? वह 100 ग्राम वजन उठा सकती है।
भाई 20 गुना वजन ठा लेगी तो 100 ग्राम हो जाएगा, तो 100 ग्राम की तो भाई अच्छी हुआ जय भी बट्टी उसने ठा के ले जाएगी 5 ग्राम की कीड़ी, हालांकि 5 ग्राम की होंगी कोई नहीं इतनी बड़ी कीड़ी, मकोड़े में कोई नहीं होता इतना। तो भाई तुम्हारा वजन कितना है, यदि तुम चिंटी होते तुम कितना वजन उठा सकते थे? सर जी मेरा 30 किलो वजन है। तो चिंटी होंदेर नहीं था मैं कीड़ी होंदेर, तो 30 का 20 गुना 600 किलो वजन ठा लियो रे। तो आगे है भाई पता करो और लिखो, पता करो और लिखो, और कौन से जीव अपनी प्रजाति के अन्य जीवों द्वारा छोड़े गए पदार्थ को सूंघ कर उन्हें पहचान लेते हैं? सर जी मधुमक्खी, कुत्ता, मालकी मक्खी, चिड़िया वगैरह, डंगर पशु भी। तो भाई ये सूंघ कर ना अपने अपने जाति के प्रजाति के जीवों को पिछेण लिए से। कैसे ढूंढे मच्छर हमें, कैसे ढूंढे मच्छर हमें, ले भाई एक मच्छर का एक आगे एक सुआ सा हुआ है, डॉक्टर बिना बुलाया आवे और सुआ लावे, तो भाई वो सुआ ला दिया है खाल में क्यों कटो है हुआ पा ना सारे लुक के बैठे रहे फिर भी लड़ जाए अपना है। तो भाई मच्छर अपने एंटीना अंग द्वारा अपने पैरों के तलुओं की गंध व शरीर के ताप से हमारी उपस्थिति का अनुमान लगाकर हम तक पहुंच जाते है। सोचो और कॉपी में लिखो, हमने अन्य जिन कीटों के सिर पर एंटीना देखे हैं उनके नाम लिखो भाई। चूंच सी किस जीव का वह है? दीमक, कॉकरोच, चींटी, मक्खी, मधुमक्खी। बहुत बढ़िया भाई, बीटल वगैरह कर और इनका मल की मक्खियों का सारे का एक एक चूंसी हुआ है। और भाई ध्यान तक सुन लो बड़को, एक मक्खी का एक साइड में 3 पैर, दूसरी साइड में 3 का हो गए 6। और भाई यह मक्खी सी जीव है जो खा नहीं सकती किसी में भी चीज़ ना, रोटी बिस्कुट कि में भी आप गेड़ा इसका गया बोरा जो भी लाडू लुड्डू और फूटे उड़ पड़या है लासी लूसी के ऊपर बैठ जाए रोटियां पर सब्जियां बैठा है जो अपना है या चीज खांदी को नहीं या क्या करा है। पहला अपनी उस एंटी ने गल थुका है उसके ऊपर गिल्ला करा है उसने और गिल्ला करके फिर चाटा है इसने, मतलब सीधा खान का जुगाड़न का कोई बेरा होता जुकर गया मैं सरा पे खावा सा। तो प्यारे बालको बच के रह करो बहुत ज्यादा बीमारियों ऐसे इसमें माखी मुखिया में रो रहा ठीक से नहीं। हाँ जी। जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं तब मच्छर कहाँ चले जाते हैं? जुड़ेंगे बीमारी फैलाने की चीज है राक्षस है बीच से ये मच्छर भी। तो वह मच्छरों के अलावा अन्य किन कीटों को रोकथाम दवाई छिड़क कर की जाती है? काकरोच है भाई और भाई दीमक है। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई। अगले सही जवाब दे भाई। किसी चीज को सूंघने के लिए सांप अपने जीभ को बार बार बाहर निकालता है, उसके सामने वाले दांतों के पीछे 2 छिद्र होते हैं, ये छिद्र बाहर की वायु को अंदर ले जाते हैं जिससे वह वायु में उपस्थित गंध को आसानी से पहचान लेता है। तो भाई जो ये सांप हुआ है ये पहचान लिया वायु में इसके जो छिद्र हुए हैं दांतों का पाच है तो उस वायु में गंध के कारण पहचाना सही जो भी। अब बताओ भाई दी गई चीजों में से तुम किन को सूंघ कर पहचान सकते हो? सड़ा हुआ खाना, इत्र की कूड़े का ढेर, गेहूं मिट्टी का तेल है। तो भाई इसमें एक तो पहचान से कहाँ पे सड़ा हुआ खाना में तो और डाल की बदबू सी आओगी स्मेल सी, इत्र हुआ भाई सेंट जो कपड़ों पे छिड़किया करा है टोर फोर वाले, और भाई जो घी ने भी थोड़ा थोड़ा पहचान से कहाँ पे ला ले, कूड़े का ढेर में भी थोड़ा सा गंध बदबू सी आओगी दुर्गंध, गेहूं को नहीं पहचान सकते भाई, मिट्टी का तेल में तो भी बदबू सी आओगी और डाल की स्मेल सी आ रहा है, तो इसलिए इन चीजों को हमें पहचान सकते हैं सूंघ के। ऐसी कुछ और चीजों के नाम लिखो जिन्हें सूंघ कर पहचाना जा सकता है। र जिसने मुकार है जे है नी, कईया की तो मुकार जमा खत्म हो जाए है, नाक मको जे मुकार है कि नहीं तो वो सूंघ के पहचानन की चीज हो हंस है कि क्यों हंस है जुकर पुदीना हो गया भाई, घर मीठी मीठी सेब दर रखी हूँ वह पहचान लेंगे भाई, इलायची, इलायची और सौंफ और भाई लौंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा उत्तर दे रहे हो भाई। संतरा, अदरक भी, और संतरे की मुकार को नहीं आंदी रहे संतरा, अमरूद तो बहुत दूर तक सुगंध आ कर है इसकी, तो संतरा भी को नहीं आंदी,
आवे बेटा संतरे की भी। तो देखो सूंघ का देखियो एक कड़ा कोशिश करियो। कुत्ते की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, तीव्र माने तेज। पुलिस तथा सेना द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहयोग लिया जाता है। तो प्यारे बड़को जे कोई अपराधी अपराध करके बैठ नहीं और उसके पैरों के हाथों के निशान हो, अगला पेज पर दे रखे यू देखो पुलिस वाला है और यू कुत्ता है जो ये इसके साथ है। ये डोग हैं जो पढ़े लिखे कुत्ते कहलावा हैं और ये सूंघ के पछाड़ लिया भाई अड़े आर डी एक्स है, बम लग रहा है या फिर अड़े मतलब फलाना दिखड़ा चोर अपराधी आया उड़ा है और उसे ना सूंघ चूंघ कर उसे का पड़े पड़े लाग कर उसका पीछा करके पकड़ा भी देवे हैं। आगे है भाई कैसे सुनता है इनको, राजू ने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, यदि कोई उनके घर बिना आवाज़ के आता है तो वह तुरंत भौंकने लगता है। हम जिन मंद अथवा तेज आवाज़ों को नहीं सुन सकते, चमगादड़ कुत्ते और मोर आदि उन आवाज़ों को आसानी से सुन लेते हैं। तो भाई इसका मतलब हो गया एक हर्ट्स में जो अपने तवन्ने वह आवाज़ है वह हर्ट्स में मैपी जावा है और 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स तक अपने कान सुन सके हैं। जमा अच्छी तेज धमाके की आवाज़ हो डीजे का अगर और आप सुन नहीं सकते, क्यों उसकी ध्वनि बहुत तीव्र हो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्स से ऊपर वाली ध्वनि केवल कुत्ते या चमगादड़ या मोर आदि सुन सके हैं। ऐसा करो भाई अपने कान पर कापी रखो, अपने साथी को कापी के दूसरी तरफ से खरोंचने को कहो। अब कापी को कान से हटाकर फिर खरोंचो, खरोंचने की आवाज़ कब तेज सुनाई दी और कब धीरे, ऐसा क्यों हुआ। जो ही कापी कान का तो रदर आगे तो न्यूक न्यू खुरुड खुरुड की आवाज़ आओगी, दूसरा उसने नवा गला है खुरचेगा और भाई दूर कर लेंगे कान तय तो आवाज़ जे को नहीं आवा, क्योंकि उसकी ध्वनि हमारे कान के पास है, उसकी तीव्रता ज़्यादा है और बाद में तीव्रता कम हो जाए है। यह भी चीज़ जानो भाई, अब इसमें है भाई सांप के बाहरी कान नहीं होते इसलिए उसे सपेरे की बिन की धुन सुनाई नहीं देती। कई यहाँ का गलतफहमी हो भाई बीन की धुन सुनकर सांप आ जाए है तो धुन सुनाई कौन दें दी उसने, वह बीन के हिलने पर प्रतिक्रिया करता है, वह जमीन पर हुई कंपन को महसूस करके खतरे को भांप लेता है। यद्यपि ध्वनि तरंगे उसके सिर की हड्डियों से होती हुई मध्य कान तक पहुंचती हैं, तो वह ध्वनि तरंगे उसके सिर में कोर हड्डियाँ तक पहुँचा है तो वो पछाण तो लेवा है लेकिन उसके कान को नहीं होंगे, वो केवल महसूस कर सका है देख सका है। क्या तुम्हें बिना देखे किसी के आने का पता लग जाता है? हाँ जी, जो इतरातर लगा रहे हो। जे आप कोई सेंट सूट छड़े कर आओ टोर फोर में तो बेसंग तबेरा पड़ जाओ, नहीं तो भाई या फिर थोड़ा सा कट 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 की आवाज आवे है अंताजा है ला सका, हाँ तो अग भाई फला आदमी आ गया लेकिन अंताजा ये तो बेरा पड़ सका सही बेरा नहीं पड़ता। सोए हुए कुत्ते को कैसे पता चलता है कि कोई आया है? उसकी सुनने की ताकत बहुत तेज हुआ है, बुग्गी जोटा ट्रैक्टर आंदा रहोगा और वो राय में जमा लिखा में सुत्या रहोगा और अपनी नींद भी काट जाएगा और उस तक बच भी जाओगा, क्यों क्योंकि उसकी सुनने की ताकत है बहुत एक्टिव हुआ है वो। तो सोचो और कॉपी में लिखो, राजू की दादी देख नहीं सकती फिर भी वह परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके कदमों की हट से पहचान लेती है, कैसे भाई राजू की दादी ने दिखता को नहीं आँखा में कमी है मान लिया, लेकिन जो 5 या 8 या 10 सदस्य होंगे घर में मान लिया गणत गणे उनके पैरों के चलने की विशेष एक लय वश है और उस लय के कारण वह चालन का हिसाब तो वह आहट पहचान लिया फलाना आदमी चल रहा मेरा पोता यू मेरा बेटा या मेरी बहू चल रहा है, कुल मिलाकर वह पहचान कर रही है काना मैं उसका जो दौन नहीं पड़ा हूँ उस तो मेरा पैट जैसा उसने, समझ में आई भाई। ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तुम अपनी आवाज़ से पहचान सकते हो। जो मैं सीधा काम है भाई तो कि मैं भी आवाज़ लकड़ा है जोकर कोयल की के आवाज़ होगी रहा है, चिड़िया की ची, ची, तो तोते की टे, टे, मोर की पीहु, पीहु, कबूतर की स्त्रिया, तो इस स्त्रिया मैस की गाय की और अपना कुत्ता की भों भों म्याऊ म्याऊ स्त्रिया बिल्ली वाली रो सारा सौदा पे पहचान लेंगे नहीं। हाँ जी। यू तो 10 कवा है तारा भर के 10,000 पहचान लिया मेरे यार, हमें एंडी बालक सो बहुत बढ़िया भाई। अगर तुम परिवार के क्या किसी सदस्य का मूड या मिजाज उसकी आवाज से पहचान लगा सकते हो, कैसे? हाँ जी। कैसे पता चलेगा तुमने अगर भाई यू छो मैस है कि राजी खुशी बोल रहा है
यू गुस्से में स कि सुत्या उठ्या स कि सोना चाहे स प्रेम तो बोला है कि दुख में बोला स कुकर पछाणोगे भाई सर जी जब गुस्सा में हो गया तो नुज में चिल्लाएगा बोलेगा गुस्से में बोलेगा भाई उसकी आवाज बदल जाएगी अच्छा सो का उठेगा तो मिठाई ही तोड़ेगा हाँ बहुत बढ़िया भाई ले बे टंकम टांक हो रहे हो जमानू तमने तो सुन दिया माल बसले अगला पेज पाएंगे और भाई इसे इतना ढूंढे ठावांगे हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सारा ही सिलेबस है पहले तो लेकर पांच मिल का चिंता ना करो बेटा तुम्हारे तो मन ना चिंता है कि भाई तुम कम नहीं रहने चाहिए अंकों में बढ़िया नंबर आने चाहिए तारे पेपर में देखो भाई कक्षा में अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से बोलने के लिए कहो तो भाई ये अनुभव एक न्यारा हो है बड़को देखो एक जो आंखों से अंधा आदमी है मतलब एक जन्मांध कह लो या कैसे भी वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है किसी कारण से आंखें चली गई हैं उसके चलो किस्मत की बात अलग मामला है लेकिन उसको ज़िंदगी कैसे जीनी हो ऐसे कैसे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है या अपना भी अनुभव करना चाहिए जैसे आँखों पर पट्टी बांध लो मान लिया क्लास में बैठे हो या घर पर हो और घंटा दो घंटा पूरा दिन ऐसे मतलब आँखों पर पट्टी बांध के ही खाना खाओ हाथ उद धोकर जो भी है और दूसरे की सहायता से अपने दैनिक कार्य करो फिर देखो आपको कैसा महसूस होगा अरे तुमने एक दिन में इतनी परेशानी हो गई वो तो सारी उम्र काटा है तो प्यारे बच्चों इस तरह का कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आपको बच्चा आपको मिल जाता है तो चिढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है और साथ के साथ में उसकी यथासंभव सहायता भी करनी है ठीक है ना तो भाई तुम कितने बच्चों की आवाज़ों को पहचान सके दूसरे बच्चे भी ऐसा करके देखें वे कितने बच्चों की आवाज़ पहचान सके तो भाई आवाज़ जाना तो आप पहचान लेंगे आराम से खबर पट्टी बांध करना भाई यू फलाना बोला दिखड़ा बोला अपने डब्बी डाल जाना और पहचान लोगे को भूल जोगे रहा है विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालो कौन सबसे ज़्यादा आवाज़ें निकाल सका किसने कितनी आवाज़ों को पहचाना तो आप श्री में मुकाबला करो भाई देखेंगे कौन कौन काटेगा कोई उल्लू की कोई हिरण की कोई बाज चिड़िया कोआ तो कबूतर जो भी हैं सारी डल के आवाज़ काटनी है अपने कोई बिल्ली बन जाओ कोई कुत्ता बन जाओ कोई मैना बन जाओ कोई तोता बन जाओ समझ में आई बात है कागा बन के दिखाइयो ले भाई आंटी बन जाओ भाई घोड़े की आवाज़ काट के दिखा दो ले भाई अरे वाह चाला पाट दिया भाई जमा बहुत बढ़िया भाई देखो और कॉपी में लिखो चित्र को देखो और लिखो इन जीवों की आंखें कहाँ स्थित हैं तो भाई उल्लू की आँख से भाई देखो आगे सी है दो बड़ी बड़ी सी गोल गोल सी अपना तभी बड़ी अब चिड़िया की भी अपना चोंच तो ऊपर सी पड़ा मड़ी ही बाज की भी क्षेत्रियाँ साइड में और भाई हिरण की भी तो तुमने अपने आसपास जिन पक्षियों को देखा उनके नाम लिखो दस पाँच तो देखे होंगे रे ककड़ियाँ उसमें रो हो पताल लोक में ना जी देखे हैं कौन से चिड़िया कोआ बगुला तोता उल्लू मैना और भाई कौन कौन से देखे हैं रे गरुड़ बहुत बढ़िया यार गूगी भी देखिया जी बहुत बढ़िया सबसे छोटा पक्षी हुआ है हमिंग बर्ड और सबसे बड़ा पक्षी हुआ है भाई शुतुरमुर्ग है और राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर है और राजकीय पक्षी काला तीतर बहुत बढ़िया अगर है भाई उन पक्षियों की आंखें चेहरे पर किस तरफ स्थित हैं तो भाई चेहरे पर लगभग आगे की तरफ थोड़ा सा साइड में ज़्यादा है अपनी आगे की तरफ हुआ है उनकी साइड सी में है थोड़ी सी तो भाई अधिकतर पक्षियों की आंखें चेहरे के दोनों तरफ होती हैं इसलिए वे दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं पक्षियों की तरह कुछ जानवरों जैसे गाय भैंस हिरण जेबरा आदि की आंखें भी चेहरे के दोनों तरफ होती हैं वे बिना गर्दन घुमाए अपने आसपास देख सकते हैं चील की देखने की शक्ति मनुष्य से चार गुना अधिक होती है देखो यह ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर शिकार को देख लेती है और हवा में गोता खाकर लगाकर उसे बड़ी फुर्ती से पकड़ लेती है यह दाएं बाएं देखने के लिए अपने सिर को घुमाती यह भी जानो भाई उल्लू अपना सिर 360 डिग्री पर घुमा सकता है मतलब चूगर तो चक्कर नहीं गोलाई में घुमा सकता है भाई अपना सिर इतनी लचीले हुआ इसकी नाड़ है इसकी आंखों में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनसे यह रात को भी आसानी से देख लेता है और वह आवाज़ की कंपन द्वारा अपने शिकार को ढूंढ लेता है यह पक्षी रात को केवल काले व सफ़ेद रंग को ही पहचान पाता है काला और सफ़ेद रंग तो दिखा है भाई रात ने और साथ के साथ में शिकार को भी वो आवाज़ की कंपन हो है नी
कोई भी चीज चल रहा है सड़ सड़ सुन सुन की आवाज होगी जो कंपन होगा उस तक पहचान ले सी कारण यू रात ने आगा है भाई सोचो और लिखो तुम्हारी आंखें चेहरे पर कहाँ स्थित है सामने या चेहरे के दोनों तरफ है तो सामने वो है भैया तो बता दिया क्या तुमने बिना गर्दन घुमाए दाएं बाएं देख सकते हो यदि नहीं तो देखने के लिए गर्दन को कितना घुमा पाते हो आप गड़ा तगड़ा कितना घुमा लेंगे मान लिया 30 डिग्री 40 डिग्री लेकिन ज्यादा ज्यादा घुमावांगे तो खोआ का ऊपर देखांगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और 90 ते भी ज्यादा घना तो घना 110 भी आगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी जे ज्यादा घुमाओगे तो आगे देखो भाई 5 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखो जिनकी आंखें सामने की ओर हुए हैं तो, और भाई जेरे के दोनों तरफ होते हैं जो मुंह का है वह कौन से मसर है हिरन भैंस गाय जेब्रा कोआ रात में भी दिखे दिन जैसा बिल्ली कुत्ते आदि को दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है इनकी आंखों में विशेष संरचनाएं होती हैं संरचना माने बनावट है जिनकी सहायता से वे रात को आसानी से देख सकते हैं और बिल्ली कुत्ते बाघ तेंदुए आदि की आंखों में लेंस की एक विशेष परत होती है जो शीशे की तरह रोशनी फेंकती है जिससे वे शिकार को स्पष्ट देख पाते हैं पता करो और लिखो भाई क्या तुम्हारे किसी साथी को नजर का चश्मा लग गया है हाँ जी। अपने साथी को लग गया सहेली को लग गया अच्छा वह चश्मा पास का या दूर का है सर जी पास का किसी ने पास का दिखाई नहीं देता कमजोर दिखाई देगा किसी ने दूर का भाई चश्मे भी दो डाल के भाग रहे हैं दूर की चीज मंदम दिखे किसी ने लोहे की चीज मंदम दिखे हैं प्यारे बच्चों अगर नजदीक से टेलीविजन देखोगे ज्यादा दिन फोन देखोगे ज्यादा देर तक है, तो आंखों पर चश्मे तारे भी चढ़ जाएंगे ध्यान रखा करो अपना 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए पढ़ते समय भी आंखों की और किताबों की तो हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है जब यह ठीक से काम नहीं करता है तो हम नज़र का चश्मा लगाते हैं यह भी जानो भाई आंखों की सामान्य रोशनी के लिए भोजन में विटामिन ए का होना आवश्यक है जो हमें गाजर आम पपीता तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है तो प्यारे बालकों विटामिन वह है अपने शरीर को ऊर्जा ताकत कुछ न कुछ देवा है जो अपने यानी कि कोई रोग दूर करे है या अपने तो विटामिन ए वह है जो गाजर आम आदि से जो मिला है यह पपीता आदि से हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए ताकि चश्मा नहीं चढ़े तो आगे है भाई अपना जांचो अपनी आंखें ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिखो कक्षा के प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से आखिरी बेंच पर या पीछे की दीवार के पास खड़ा करो और बोर्ड पर लिखा वाक्य पढ़ने को कहो क्या उसे वाक्य स्पष्ट दिखाई देता है फिर उसे थोड़ा सा आगे आने को कहो जिस स्थान से वह है उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे वहाँ से ब्लैक बोर्ड की दूरी मापो क्या निष्कर्ष निकला भाई बिल्कुल आखिरी वाला बेंच वाला बच्चा अगर नहीं पढ़ पावा है बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो इसका मतलब कमजोरी से है और भाई अगर वो थोड़ा सा और आगे का पढ़ा से है तो इसका मतलब थोड़ी कम कमजोरी अरे जमा ही नहीं दिखता उसने तो ज़्यादा कमजोरी है भाई अपना चश्मा चढ़वाना चाहिए बता देना चाहिए डॉक्टर को या अपने माता पिता को अब बताओ भाई तुम कितने मीटर की दूरी से साफ देख पाए भाई 5 मीटर 8 मीटर 7 मीटर इस तरह से बता सका हाँ अपने अपने अलग अलग दूरी होगी कौन सबसे ज़्यादा दूरी से साफ देख पाया और कौन सबसे कम है जिसके ज़्यादा कमजोरी होगी कम दूरी पता देखने पाओगा साफ और जिसकी आँखें बिल्कुल बढ़िया 6x6 की होंगी तो भाई वो दूर तक भी साफ देख लेगा सर जी मेरी आँख तो 6x6 है बहुत बढ़िया बेटा मैपी थी हाँ जी मैडम ने जांच करवा करो भाई समय समय पर रजनी रात को पढ़ रही थी बिजली चली गई थोड़ी देर के लिए तो उसे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया धीरे धीरे टटोलते हुए वह एक अलमारी तक पहुंची वहां से टॉर्च निकाल कर जलाई तब उसे दिखाई दिया पे एकदम बिजली जहाँ पाछा दे रहा छा जे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्यों अपनी आँखों हैं एक शोभा होमेडल जे हैं रोशनी के और जे रोशनी एकदम चली गई नहीं तो अंधेरा एकदम छा जे है तो विरोध कर रहे हैं उसका वह इसी तरह एकदम अपनी आँख उगड़ जाए या कोई लट्टू चैस दे आपे सुते उठे हों तो दिखना मुश्किल हो जाए आँख मतलब चौंधी चौंधी ही खोलनी मुश्किल हो जैसे क्योंकि अपनी आदत पड़ रही है उन्हें अखा ना अंधेरे की अरे एकदम लट्टू चैस दिया तो वो एकदम रोशनी घनी प्रवेश कर जाए अखा में इसलिए अपन एकदम देखने में दिक्कत हो है धीरे धीरे बैलेंस बना है संतुलन बना है आँख एकदम उसका विरोध करे हैं तो इस तरह तक उसने एकदम दिखाई कौन दिया हमें जितने रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते देखो इन जानवरों को एक ही चित्र कैसे कैसे दिखाई देता है मनुष्य को तो इसे शहरा दिखाई देगा भाई सांप को दौड़ा दिखाई देगा वो कुत्ते को पीले पीला दिखाई देगा और पक्षियों को अरहरा मनुष्य की तरह दिखाई देगा तो कैसे पता लगाएं शीला और गीता पार्क में बैठी बातें कर रही थी अचानक शीला के हाथ एक मच्छर आकर बैठ गया शीला ने जब उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह उड़ गया अब बताओ मच्छर को कैसे पता चला शीला उसे मारना चाहती है बता दो भाई थोड़ा हिरा
वो एक नू धवनी सी पछाण लिया भाई दूसरा खतरा आ रहा तेरी तरफ है, अपना जान बचाएगा भैज गया कड़ा का लहू पीना था उसने तो अपने लाल ले पड़ गए जाने की उड़ता है। क्या तुमने मच्छर की आंखें देखी हैं? ना जी। भाई छोटी छोटी को आंखें अगर होंगे होंगे तो इनका को थोड़ा बहुत दाना सा हो ऐसा, नहीं तो अपना मक्की मच्छर आदि की तरह अनेक कीटों की आंखें छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं। एक आंख एक जगह को नहीं होती, अपने की डाल है जो माल की माखी का दो आंख बटे हुए हैं, तीन आंख उसके बीच में हुए हैं छोटी छोटी, पाँच आंख हुए हैं यानी कि एक माखी का। हर भाग एक आंख की तरह काम करता है, इन्हें संयुक्त आंखें कहते हैं। संयुक्त का मतलब है कट्ठी मिली जुली। इनसे वे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ कीट जैसे मच्छर कॉकरोच झिंगूर आदि के सिर पर कंपन को महसूस करने के लिए एंटीना होते हैं। जैसे ही हम कीट को मारने के लिए हाथ या अन्य चीज़ आगे बढ़ाते हैं तो वे वायु दाब को महसूस कर लेते हैं और उड़ जाते हैं। ले भाई एंटीना तो मेरा पैड लिया हुआ जुकर है, तो इस तरह के खतरा आ गया और उड़ता डांक ठोका है हमें, क्यों रहोगे भाई तरह तुरे फिर जया मारोगे तो उसने। अरे सोचो और कॉपी में लिखो, यदि तुम्हारी आंखें मच्छर जैसी होती तो तुम्हें इनसे ज़्यादा फायदा और क्या नुकसान होता? तो भाई कई आँख होने देर तो एकदम मतलब सारा देखने में अपने दिक्कत हो जा रहे, दो आँख खांगला तो अपनी आदत पड़ रही है पुतली और घुमा लिया हाँ, लेकिन कई आँख खांगल है बेरानी कुकर जिया जावर की कुकर नहीं हो तो टाइम बताओ अरे भाई ईब तो दो हैं तो दो आँगल है जीवा लिया। अब पांच ऐसे कीटों के नाम लिखो जिनकी आंखें मक्खी मच्छर जैसी होती हैं, बताओ भाई कौन कौन से ऐसे से रहा है? टिटा चींटी तितली ड्रैगन फ्लाई मधुमक्खी। बहुत बढ़िया भाई, रंग बदलता गिरगिट, रंग बदलता गिरगिट एक मुहावरा भी है भाई गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब है आदमी एकदम बदल कर खड़े हो जाए अपनी जुबान पता फिर जाए। तो वह गिरगिट की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो वह बंद हो अथवा वह सो रहा हो, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वह तुरंत अपने रंग बदल लेता है। इसकी पलकें आधा बंद रहती हैं, प्रत्येक आंख चारों ओर घूम सकती है, तो वह अलग अलग पुतलियां ना अलग अलग दिशाओं में घुमा सके ही। वो आपे तो एकदम घुमावांगे दनु पुतलियां ना, जतोड़ देखांगे तो दनु पुतली बैच गन उन्हें जाऊंगी और यू न्यारी न्यारी घुमा सके से। अगर भाई आप बताओ क्या तुमने कभी गिरगिट को रंग बदलते देखा? यदि हाँ तो कब और कहाँ? कड़ा था अपने प्लाट में कि खेता में कि कड़िया बाड़ा में गड्डी में बाड़ा में क्या भाई कौन कितना सोता इसमें पूछ रख्या है। क्या तुम जानते हो गर्मियों में दिखने वाली छिपकली सर्दियों में कहाँ चली जाती है? बहुत से जीव जंतु जैसे छिपकली सांप मेंढक सर्दियों में किसी जगह पर छुप जाते हैं ताकि वे स्वयं को सर्दी से बचा सकें। हाँ भाई यहाँ कुछ टोपा जर्सी बुन जाना है खरीदन जाना है सर्दी तो बचने के मारे यहाँ तो भाई नू तो है नहीं बाकी मैं जराब जूते पहन लेंगे बेचारे यहाँ कड़ियाँ बिला में बढ़ जाए त्रेड़ा में या कड़ी कुड़िया का बीच में जड़े भी न मोग पावस है। ये जानवर इतने दिनों तक बिना खाए पिए कैसे रहते होंगे? तो भाई ये प्रकृति की रचना है इनकी, एक तरह से कुदरत ने इनको एक ताकत दे रखी है या जो मछली वगैरह हुआ है या मच्छर अपने पहला ही चमासा में पूरे कर लिया है अपना कोटा और सारा कोटा पूरा करके बरका अपना पेट है सर्दी में जाए छुपे से। तो भाई ऐसे जीव जंतु जो अंदर ऊर्जा ले जे हैं अपने गात में उसे तो जीवित रहे जावें से। तो आगे देखो और लिखो अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं को देखो और निम्नलिखित जानकारी लिखो। जीव जंतु का नाम लिखना है भाई और वो सारी साल दिखाई देवे कि नहीं देवे, गर्मिया में दिखे सर्दिया में दिखे है कि केवल बरसात में दिखे से, तो यह बात लिखनी है। तो बताओ भाई जुकर पहला जीव जंतु का नाम बताइयो रे। छिपकली। अब गर्मिया में दिखा है सारी साल दिखा है सर्दिया में दिखा से यू गर्मिया में भी और बरसात में भी दिखा से, क्यों चमासा का भी नमो जय मच्छर गण है और छिपकली लपर 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 सारे ना खा जाए हले अपना कोटा पूरा करके फिर जाए छुपे है अपने त्रेड मकड़िया। इसी तरह भाई अगला केंचुआ है, केंचुआ केवल बरसात में दिखाई देवा है और केवल बरसात में भाई वहाँ तीज नाम दरिया करें लाल लाल सी वह भी हुआ है और गिजाई हुआ करें जिसको सैकड़ों पैर हो ऐसे हैं वो भी एक कीट है केवल बरसात में दिखाई देवा है तीजा के आसपास सामने का भी नम है। मिंडक से भाई कब दिखाई देगा? बरसात के मौसम में भी और सर्दियों में तो दिखता को नहीं। इसे तरिया है भाई अपना सांप है जैसे गर्मियों में दिखे से चमासा में दिखे से बिला में पानी बढ़ जाइए बाहर लकड़िया में से और भाई सर्दियों में कौन दिख दे भाई अपना जो छिपकली केंचुआ मेंढक इस तरह के जीव जंतु कुछ सर्दिया में दिखे और कुछ गर्मिया में बरसात का भी नवे भी इसी तरह आगे है भाई अपना
जो बनाओ अपनी घड़ी में, ऐसा करो तुम एक दिन में कितने घंटे सोते हो, अपने सोने और जागने की समय अवधि को सामने की दी गई घड़ी में गहरे रंग से दर्शाओ। ले भाई 24 लिख रखा है, 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24 स्त्रियाँ 24 घंटे में देता, मैं कह घंटे सो हो वह लिख दो। 3 घंटे सुन दो तो 24 से 3 लग भर दो, 6 घंटे सुन दो तो 6 लगे, 9 घंटे सुन दो तो 9 लगे। और जब को अच्छा कुंभकर्ण होगा 12 घंटे 15 घंटे सुनता होगा, ओ भाई 15-12 कर दो भी। 9 घंटे की नींद तो लेनी है चाहिए बेटा, 9 या 10 घंटे की एक आदर्श बच्चे को नींद लेनी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो इसी तरह अपन मतलब जो सोने की अवधि है इनकी उसके बारे में देखो अगला। मैं तुमने तो ये काला कर दिया, सोने की अवधि 6 घंटे की मान लिया या 9 घंटे की। नीचे कुछ जानवरों के सोने की अवधि दी गई है, अवधि मैंने समय भाई 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे सोए दिन में, मैं उनके सोने की अवधि नीचे दी गई घड़ियों में गहरे रंग से भर कर दिखाओ। एक गाय है भाई, जानवर का नाम है, सोने की अवधि 4 घंटे उसकी, तो इसमें 24 का 4 घंटे का मैं सो गया भाई, छठाएँ सो गया और छठाएँ सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 घंटे सोएगी निया और यहाँ 8 हैं सेवगी इसके मान लिया। तो इसका मतलब है कैसे काले करने पड़ेंगे इसके भाई अपन एक हिस्सा तो पूरा और एक हिस्सा आधा, क्योंकि यहाँ 8 ही से दिखा रखे हैं इसमें, 8 3 24 है, कहने का अर्थ है एक हिस्सा 3 घंटे का बराबर हो गया, तो थोड़ा सा एक तो फालतू है जगह यू काला। इसी तरह अजगर 18 घंटे से हुआ है, तो भाई 24 घंटे में 8 खाने बना है, तो 18 घंटे में लगभग 6 खाने बन गए अपने, 6 खाने काले कर दो। जिराफ भाई 2 घंटे से हुआ है, तो एक तभी मड़ा सा कम खाना काला करना पड़ेगा। इसी तरह भाई बिल्ली अपने 12 घंटे से हुआ है, तो भाई इसमें तो 8 में 4 खाने काले कर दो। कर लोगे भाई युका में हाँ जी। शक्तिशाली बाघ, बाघ किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में आसानी से घुमा लेता है भाई, इसके कान चुगर तक घूम लिया से। इसकी दहाड़ लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसकी लंबी मूछें रास्ता खोजने व शिकार को ढूंढने में इसकी मदद करती हैं। इसकी विशेषता होगी भाई सारी है बाघ की, भाई को रास्ता बनाने में या फिर उनके बाल बूढ़ा दर और वो रास्ता बना लिया है, यू मजबूत है इसकी मूछें। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, यह अन्य जीव जंतुओं को उनकी गंध से तथा दूसरे बाघ की उपस्थिति उसके मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। इसकी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं तथा रात को भी चमकती हैं, यह रात के अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से देख लेता है। इसके दांत बहुत पहने व मजबूत होते हैं, इनसे यह शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इसका रंग भूरा होता है, शरीर पर धारियाँ होती हैं जिनके कारण यह आसानी से अपने आप को मिट्टी घास फूस तथा चट्टानों में छुपा लेता है। ले भाई ये बाघ के बारे में सारी विशेषता पढ़ी अपन है, हर एक पशु में अपने अपने एक विशेष प्रकृति व विशेषता गुण हुआ से और यह गुण इसने दे रखे हैं भगवान ने। तो इसी तरह भाई आप और जीव जंतुओं की विशेषता भी गिना सका सा। जंगल किसान खतरे में पड़ रही है भाई, देखो क्या 20 साल बाद हम देख पाएंगे देश में बाघ है, इस तरह की खबर आई हुई है। और साथ के साथ में 6 माह में शिकारियों की भेंट चढ़ गए 19 बाघ, ये खबर अखबार में छपरी से भाई। भाई शिकारी शिकार कर रहे हैं जो जंगली जानवरों का, उसमें बाघ जो राष्ट्रीय पशु है अपना, तो वो भी शिकार हो जाए उनका भी। तो भाई जंगल खत्म होते जा लग रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा है, बस्तियाँ बढ़ने लग रही हैं, लोग जागरूक होने और इस तरह से जंगली जानवर भी नष्ट होने लग रहे हैं। तो जंगल किसान खतरे में क्यों कर पड़ गया, आज हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है, इन्हें बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए देश में कई नेशनल पार्क व अभ्यारण्य बनाए गए हैं, बाघ के अलावा अन्य जानवरों के लिए भी हम खतरा बन रहे हैं। तो भाई मनुष्य ने सारा बेड़ा रख रहा है, यू सारे जंगली जानवरों के लिए खतरा मनुष्य बन रहा है। अरे बहुत से जीव जंतु नष्ट भी हो चुके हैं, प्रजातियां और नष्ट होने की कगार पर भी हैं। तो बाघ बचाने के लिए बहुत से एक प्रोजेक्ट टाइगर योजना सरकार ने चलाई, जिससे बाघों की संख्या बढ़ी भी है और जो नकली जंगल बना रखे हैं यानी कि उनमें कोई बसाहत नहीं हो सकती, जंगली जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और जंगली जानवर उसमें रहेंगे विचरण करेंगे, अभ्यारण्य वगैरह नेशनल पार्क बोल रहे हैं उन्हें, तो अपने देश में बहुत से नेशनल पार्क बनाए गए इसे। ये भी जानो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत भारतीय संसद द्वारा भारत अधिनियम पारित किया गया था, यह जंगली पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो प्यारे बालकों जो एक कानून बना रखा है जिसमें जंगली जानवरों का शिकार करने की मनाही है तथा उनको सजा भी मिल सकती है अगर कोई इस तरह के शिकार करता हुआ या जंगलों को काटता हुआ पाया गया तो,
देखो सोचो और लिखो प्रत्येक चित्र में नीचे जीव जंतु का नाम लिखो भाई। हाथी दे रखा है भाई, गेंडा दे रखा है, और यू के है भाई अगला बाघ की खाल, बाकी खाल है, अजगर दे रखा भाई, और बारह सिंह दे रखे हैं, और अगला भाई यू सांप की खाल दे रखी है भाई, और इसमें जो एक मगरमच्छ की थी अजगर जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन मगरमच्छ की खाल है भैया, क्योंकि मगरमच्छ का साइड में इसी तरह के यहाँ पेच से हुए हैं जो अगर अपने कारपेट वगैरह पे हुए से। तो भाई जीव जंतु के बारे में आपने देखा कि जंतु के उस अंग का नाम भी लिखो जिसके लिए प्राय उसका शिकार कराया जाओ से। तो गेंडे की खाल भी मजबूत हो ऐसे, सींग और हाथी के दांत के लिए, और भाई बाघ की खाल के लिए, भाई बारह सिंह का जो ये सींग वगैरह हो ऐसे इनके लिए, भाई अपना मगरमच्छ की खाल खातर भी लोग लालच में इसका शिकार करते हैं, बारह सिंह का सींग लेन खातर, और सांप का भाई उसकी खाल खातर, और साथ के साथ में उसका जहर आदि प्राप्त करने के लिए भी दवाइयां बनाने आदि के लालच में इनका शिकार कर रहे हैं। बहुत गलत बात है भाई, सारी ये जीव जंतुओं का शिकार करना चाहिए भाई आओ ये भी करें, अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की देखने सुनने व सुनने आदि संबंधी विशेष आदतों के बारे में पता करो तथा अपनी कॉपी में लिखो। देखो भाई सुनने की शक्ति जैसे मतलब या देखने की या सुनने की जो भी है, इसमें बहुत से जीव जंतु अपने आसपास जो आपने दिखाई दे हुए हैं, एकदम आप किसी भी जीव जंतु को मान लिया ललकारांगे पुचकारांगे तो एकदम अपनी तरफ लखाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब उसकी सुनने की या सूंघन की या देखने की ताकत बहुत मजबूत हो ऐसा है। आगे भाई छांट कर लिखो जैसे सांप कुत्ता उल्लू कबूतर चिड़िया हिरण ऊंट गाय भैंस बिल्ली बाघ, जो जीव दिन में अधिक साफ देख सकते हैं कौन कौन से हैं, इसे रह जो दिन में साफ दिखाई दे वह जिसने भैंस कबूतर चिड़िया हिरण गाय ऊंट भाई हैं, और जो जीव रात को अधिक साफ दिखाई दे वह उन्हें भाई बाघ है बिल्ली है कुत्ता है उल्लू है, और इसके अलावा भाई कान बाहर दिखाई नहीं देते जिसके वो कौन से हैं रे सांप चिड़िया उल्लू कबूतर है। बहुत बढ़िया भाई, और जिसकी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक वो है वो कौन सा है पालतू पशु अपना कुत्ता, जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं वह कौन से हैं भाई जमा लारा ला दिया भाई तानवे तो जमा नहीं सारे जीव जंतुओं के बारे में जानो हो चर्चा करो भाई वन्य जीव जंतुओं के शिकार और उनके अंगों की बिक्री से संबंधित समाचारों को पढ़ो और प्राप्त जानकारी की कक्षा में चर्चा करो, इसे कैसे रोका जा सकता है बातचीत करो। देखो भाई बालकोता में भी सियाने हो रहे हो भाई, चिंतन करना चाहिए इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, अगर भाई जो जंगली जानवरों का और शिकार कर रहे हैं अवैध रूप से कानून को तोड़ते हुए उनको सजा मिलनी चाहिए, जीव जंतुओं को मार रहे हैं वो उनको भी जीने का अधिकार है जीव जंतुओं को, चाहे वो जंगल में हो चाहे पालतू हो चाहे अपने घर में हो चाहे बाहर हो, तो भाई अपना जैन है जिसी उनका भी जैन है, तो ऐसे शिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा कठोर दंड दिया जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए उनकी, और भाई जीव जंतुओं से संबंधित जो भी कोई समाचार आवे है अखबार में या और उसकी कटिंग अपने कार्य पुस्तिका में चिपकानी है, कर लोगे भाई हाँ जी। किन जंगली जीव जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है पता करो और कॉपी में लिखो, उनके संरक्षण पर चर्चा करो। तो भाई हाथी है जुकर इसी तरह बाघ है शेर है, आपने गिर का जो गुजरात में गिर अभ्यारण है उसमें शेर पाए जावे से, बाघ भी मध्य प्रदेश में और थोड़े बहुत रह रहे हैं हमारे, तो इसकी संख्या इनकी बढ़ेगी मरी थोड़ी, बल्कि पहला जमाए कम हो गए थे 2014-13 आसपास, और भाई शिकार बहुत ज़्यादा हो या इनका कुछ बीमारियाँ तो मर गए। इसी तरह अपने भाई पक्षी हैं जैसे मोर है राष्ट्रीय पक्षी, बहुत से जीव जंतु कम होते जान लग रहे हैं, वह सारे अपने अभ्यास पुस्तिका में जड़े भी तमने अखबार था टेलीविजन था या कहीं नेट आदि से पता चला पूछ के ना अपना अपना भर लियो। पता करो भाई कोयल की कूक किस ऋतु में सुनाई देती है और क्यों, सर जी बहार के दिनों में बहार का आम भी कच्चे हुए हैं बसंत ऋतु के दिनों में, जब सरसम के ऊपर फूल आ जाए हैं फोगन का भी नमा होली आने वाली है नी, उस टाइम पर कोयल की कूक सुनाई देवे है। मोर कब और क्यों नाचता है, बरसात के मौसम में नाचता है भाई अपना मोर छत्ता के ऊपर, और तो भाई वो मोर इसलिए नाचता है ताकि वो भविष्य के लिए अपना संतान के लिए प्रयास कर सके। हाथी सूंघने के लिए अपने किस अंग का प्रयोग करता है, हाथी की सूंड बहुत बढ़िया हुआ है, तर तभी बढ़िया हुआ है, कितनी लंबाई है तर इस तभी बड़ी सूंड पाओगी उसकी।
तो भाई इतनी बड़ी सूंड में तो वो सूंघन का भी काम ले वैसे और कोई चीज़ ना पकड़न का भी काम ले वैसे। ऐसा करो भाई खाने की कोई मीठी या नमकीन चीज़ अपने घर के आसपास खुले स्थान पर डालो, देखो कौन कौन से जीव उसे खाने के लिए आते हैं। भाई कीड़ी भी आ सके है, मकोड़े भी आ सके हैं, और भाई छोटी छोटी चीज़ जैसे कीड़ी भी कई डाल की हो जे हैं, कड़ी कड़ी बुरी बुरी सी और या दिमक या और स्त्रियों की कोई छोटी छोटी चीज़ भी आपके आसपास वो आ सके हैं, माखी वगैरह भी बैठ सके उन पर। वे जीव अकेले आए या झुंड में आए, वे कितने समय बाद आए, तो भाई उन्हें मुखार से आ जाए है 10-5 मिनट में 2-4 मिनट में और वह सूंघ सूंघ का पड़े पड़े लाग ले हैं और कल्ला को जानता शुरू में एक कल्ला आ जाएगा तो यूँ बेरा पट जाए अड़े फलानी दिखड़ी चीज़ पड़ी है अपना रुका मरा है जाकर बिल में आ जाओ भाई सारे रहे लारा लग लो तो एक तो एक तो एक हजारों की संख्या में झुंड में पहुँच जाए हैं भाई वहाँ अपनी जो भी है मतलब कोई संकेत कर दे होंगे कोई पदार्थ सुगंधित पदार्थ हो है जैसे चींटियाँ वो छोड़ दे हैं और दूसरी उसका गला फट दे भाजी हमें पाछे पाछे चाले मैं बताऊंगी तो हमने आज का खाने का जुगाड़ है। तो भाई इसी तरह आगे है अपने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल या लकड़ी आदि रख कर देखो, तो भाई बीच में अगर कोई भी चीज़ उंगली तय और हालांकि जीव को सताना नहीं चाहिए लेकिन अगर चला कर देखेंगे नहीं पेंसिल पुंसिल तो मैं रास्ता नहीं प्राप्त कर सकती उल्टिए भाज हाँ अपने बिल में और दूसरी अगर कोई भी मतलब बीच में उंगली अंगली रोनी उड़ा देंगे पेंसिल पुंसिल तो मतलब उनको पहचान नहीं हो पाती क्योंकि एक सुगंधित पदार्थ सा छोड़ रहे हैं उसे तो कारण वह पाछा पाछा लगी रहा है बाकी उन दिखाई नहीं देता इतना। तो आगे भाई चींटियों ने से भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जा सका पता करो भाई दूर अपना छिंका छांका पर टैंकर और लको छपो कर ना मतलब फ्रिज फ्राज में या स्त्रियों की चीज़ें तो आप सुरक्षित रख सका है या फिर कोई ऐसे भी चौक वगैरह ऐसे आवे हैं खींचने के जिससे वो मतलब उसके पास नहीं लगन पाते सुगंधित ऐसे पदार्थ तो है लसन वगैरह गंठे वगैरह इस तरह की चीज इधर देंगे तो भी वो बचे रहेगा भोजन है। तो भाई प्यारे बालको आपने ये पाठ पूरा कराया समझ में आया कि मैं ऊँचा गलमारी बनाए आया जी बहुत बढ़िया भाई कड़ा भाई जो पछले पछले ना सही जवाब दिए भाई जमा बढ़िया तो भाई आके फिर गेड़ा मारियो हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। शिक्षा बैंडी और बढ़िया करा है पहली तले के 5 मिनट का सारा सिलेबस है भाई नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है 5 मिनट वाले कान खड़े कर लो भाई सारे बालक है कोई भी टेस्ट की तैयारी करनी है भविष्य में कोई टेस्ट देना है आपने जैसे भारत को जाना ओलंपियाड प्रतियोगिता या कोई भी आपने भविष्य में पैरों पर खड़े होने खातर अगर आपने किसी टेस्ट में बैठना है रीजनिंग है गणित है पहाड़े हैं हिंदी व्याकरण है और बहुत सा ज्ञान का भरोटा है गोल्ड कप जो हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो और भाई ज़्यादा ज़्यादा बांडोगे तो शिक्षा बैंडी उड़ी बढ़िया करा है देखो सब और बच्चा ने भी फायदा हो जाएगा देखो और ये केस कापड़ो आपका बिल्कुल शुभ चिंतक चैनल है सर जी घंटी वाला बटन दबाना जरूरी है। हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दोगे तो सारी पोस्ट जो भी मैं डालूंगा वो आपके सामने सूचना आ जाएगी और आगे फिर गेड़ा मारियो बच्चों अब बोलो जय हिंद जय।